हे पपन पिल्लू इधर आओ। क्या अब ठीक है? ये सगुन का क्या? ऐसे करके चल रहे हो तो मार के ऐसे करके चलेगा तो अच्छा लगेगा। अरे तुम्हारे सब्सक्राइबर बड़े तगड़े तगड़े हैं, कहते हैं भाई पपन पिल्लू बेइज्जती ना किया करो, बुरा लगता है उसको, दिल से बुरा लगता है। भाई सबको बुरा लगेगा यार, तुम्हें लगता है? और क्या, बड़े भाई को परेशान करते रहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? रो नहीं, रो नहीं, प्लीज यार, प्लीज यार, ठीक है चलो बैठो। मेरा फोन खराब हो गया है, तुम्हें फोन गिफ्ट करूंगा, आईफोन गिफ्ट करूंगा मैं, यहाँ बैठो। दिल पे मत लिया करो यार, मजाक मजाक की तरह लिया करो। चलो बैठो, चले लेकिन अगला ले लेता है ना। चलो चलो अब बैठो जल्दी से। रुक जाओ, अब ज्यादा ध्यान ना दो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी है भाई इसमें, TCS। यमा वही बनी है क्या? हाँ मैं लग रहा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में ही बनी है यमा। TCS ऑन हो गया है, TCS बंद कराओ। ट्रैक्शन कंट्रोल, ये क्या भाई कुछ दिक्कत आ गई क्या? अरे स्टैंड नहीं लगा। अरे भाई कसम से यार, क्या ये बहुत जेब होता है, हम कहे दिक्कत हो गई टायर। और कोई किसी को बताएगा नहीं पप्पन पिल्लो पीछे बैठा है। पप्पन पिल्लो के लिए हमने ऑर्डर किया एक फोन, हमने सोचा ला पप्पन पिल्लो को एक गिफ्ट दिया जाए। तो कान लगा रहा है, कान लगा रहा है, कान लगा रहा है, आगे सुनाई नहीं देना चाहिए इसको। हाँ? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुमसे नहीं कह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, ब्लॉग कर रहे हो तुझे? हम ब्लॉग कर रहे हैं, चुप रहो, पीछे बैठो। बैठा ही तो है, तारीफ बहुत क्या करेंगे, खड़े हो जाओ। सो ये बात बाद में करेंगे, फिलहाल नहीं तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, सरप्राइज खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ट्रैफिक बहुत है यार, ये पुल जल्दी से बन जाए तो ट्रैफिक थोड़ा सा हल्का हो जाए यहाँ पे। कल रात में एडिटिंग की थी हमने बहुत देर तक, 3:30-4 बज गया था, वीडियो रेंडर पे लगाई हो भाई साहब, सो गए, ऐसा सोए कि सुबह उठे 1 बजे। पप्पन बिल्लो आके हमको उठा रहा, उठो भाई सुबह हो गई। हमने कहा कितना बजे लग रहा है? 1। हमने कहा अरे बाप रे बाप, ये सुबह नहीं दोपहर होती है भाई। लेकिन यार सुबह के बहुत सारे शेड्यूल थे जो कैंसिल हो गए। तो आज कराते हैं आप लोग को लखनऊ के थोड़े बहुत दर्शन और लो मज़े। और ये है लखनऊ, बेसिकली जो बाहर से है ये ब्लॉग उन्हीं के लिए तो फ़ायदेमंद होगा, बाकी जो लोग लखनऊ से हैं उनको तो सब पता ही होगा, ऑलरेडी बताने की ज़रूरत नहीं है। सो हम गुजर रहे हैं गोमती नगर से सामने 1090 चौराहा। 1090 चौराहा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 1090 का ऑफिस है। अगर किसी भी लड़की को कोई भी परेशान करता है किसी भी तरीके से, तुरंत 1090 कॉल करके कंप्लेन करा सकती है, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सो बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं ये, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स होता है, सीधे उठा लेते हैं। तो अवेयर रहें, अगर सावधान रहें, सतर्क रहें, ज़रूरी है भाई, आजकल बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बहुत क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो 1090 का ज़रूर उपयोग करें, कोई डर की बात नहीं है। बाकी हमारे अमित शाह जी कितने खुश हैं, वाह क्या बात, ये तो मोटा भाई है, लिट आदमी। बाकी अभी बजाज ने 2 गाड़ियां लॉन्च की हैं धकाधक, आप लोग ने देखा होगा, एक लॉन्च की F250 और एक लॉन्च की N250। N तो जो मतलब उसका जो लुक दिया है इन्होंने बिल्कुल 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 एम्प्टी बना के धर दिया है। मैंने सोचा था यार कुछ अलग यूनिक सा आएगा तगड़ा और VVA टेक्नोलॉजी आएगी, बट VVA का तो नाम भी नहीं लिया गया है यार। जो अपडेट बजाज को देना चाहिए वो बजाज अपडेट दे नहीं रहा है, और जो नहीं देना चाहिए उसका पता नहीं क्यों दिया जा रहा है। हालांकि इन्होंने इसी से शुरू किया था तो ये लोग उसको ऊपर ले जाना चाहते होंगे, लेकिन भाई जनरेशन के हिसाब से हमें अपडेट चाहिए, हमें RS का अपडेट चाहिए बजाज, हमें RS का अपडेट चाहिए, हमें RS 400 चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हो हमें 400? डोमिनार दे रहे हो यार, एक गाड़ी निकालो, RC 390 और Duke 390 आती है कि नहीं है, निकालो एक, पता नहीं क्या कर रहे हो, इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि एक गाड़ी निकालोगे, लेकिन नहीं वही निकाल के धर दी अब टू दैट 250, पता नहीं कैसे एडवेंचर लुक में वही तुम्हारी चली थी। बजाज को ये सोचना चाहिए कि उनकी एडवेंचर स्पोर्ट जरा सी भी नहीं चली, बहुत कम दिखती, और जो दिखती वो रोते रहते हैं कि हाँ बहुत बेकार गाड़ी थी, तो पता नहीं वैसे ही लुक में निकाल के रख दी F250। क्या करना चाहते हैं 5 गियर के साथ, 6 गियर का जमाना है, KTM दे रहा है 125 cc गाड़ी में 6 गियर, और यहाँ रेडर दे रही है 5 गियर, ये अपनी 250 cc में 5 गियर दे रहे हैं, अजीब अजीब आदमी है यार, कैसे आदमी समझ में नहीं आ रहा हमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज वर्मा। आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ मैं रेडर 125 पे। वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि मैं करने वाला हूँ इस रेडर 125 की ब्रेकिंग टेस्ट, और देखने वाला हूँ कि क्या
इसकी ब्रेक आपके लिए रिलायबल होने वाली है रोड पे या कैसी होने वाली है ब्रेकिंग। अगर आप ब्रेक मारते हो तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए या बिना कॉन्फिडेंस के ब्रेकिंग करने वाले हो इस बाइक पे, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। ग्लव्स वगैरह पहन लिए मैंने ताकि अगर मैं गिरूँ वगैरह तो हाथों में चोट ना लगे, क्योंकि बिना ABS की बाइक है और इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग है। आप लोग को पता ना हो तो मैं बता दूँ कि अगर आप रियर ब्रेक अप्लाई करते हो तो जिसकी मदद से यहाँ पे देख लो आप ये चीज़ ये अपने आप दबती है, तो कॉम्बी ब्रेक है। अगर रियर अप्लाई करोगे तो फ्रंट अपने आप लगेगी, जिसकी वजह से ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। टायर स्किट होने के चांसेस हो जाते हैं बहुत कम, क्योंकि अगर सिर्फ फ्रंट अप्लाई करोगे तो टायर स्किट करने के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा। तो यही चेक करने वाले हैं हम इस वीडियो में कि क्या इस रेडर 125 की ब्रेकिंग रिलायबल है रोड पे। सो हम पहले थोड़ी थोड़ी स्पीड पे ट्राई करेंगे, जैसे कि लाइक 30 पे ट्राई करेंगे, फिर 50 पे करेंगे, फिर 100 पे करेंगे। सो थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में भी ताकि ब्रेकिंग अच्छी कर सकें हम। सो फर्स्ट टाइम हम 30 के आसपास ब्रेकिंग करेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। ये आ गई 30 की स्पीड और देखते हैं कितनी देर में बाइक रुकती है। तो बाइक ने ज़्यादा डिस्टेंस तो कवर नहीं किया, मतलब रुक गई जल्दी 30 की स्पीड में। ये देखिए ये लाइन है यहाँ पे और यहाँ पे बाइक रुक गई है। तो एक बार सेकंड अटेम्प्ट करते हैं और फिर देखते हैं 50 पे कि क्या होता है। सो अब हम बाइक को भगाएंगे 50 तक और फिर देखेंगे कि क्या बाइक कितनी देर में रुकती है और अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है। तो चलिए लाइन के पास ही मुझे ब्रेकिंग करनी है। ये पहुँच गई बाइक 50 पे। तो बाइक ने ये डिस्टेंस कवर किया है, हालांकि स्किट नहीं हुई बिल्कुल भी। दोनों ब्रेक एकदम चाप के मैंने अप्लाई करी हैं। अभी भी लगभग आप कह सकते हो थोड़ा सा डिस्टेंस है। 100 पे ट्राई करते हैं कि क्या होता है, 100 पे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वापस जा रहा हूँ मैं जहाँ तक 100 की स्पीड। क्या लगता है 100 पहुंचूंगा कि नहीं? बाप रे बाप, 100 की स्पीड पे ब्रेक मारने में थोड़ा सा स्किट की है बहुत तगड़े से, लेकिन मैंने संभाल ली, पूरा निशान पड़ गया होगा। तो बहुत तगड़ा होने वाला है ये, आप भी देखते रहो, रोड खाली हो जाए तभी करूंगा। चलो पहुंच गया हूं, 95, 97, 98, 100। बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिना ABS के देखो क्या हाल हुआ है। कहाँ रुका हूँ जरा साइड में कर लेता हूँ पहले। बहुत तगड़ा स्किट की है बाइक, बहुत तगड़ा, मतलब गदर लेवल का। टायर की बदबू आने लगी, पूरी स्मेल आ गई टायर की। आपको दिखाता हूँ मैं, मतलब आई थिंक R15 यहाँ रुकी थी और वो वहाँ रुकी है। चलो इसको लेके चलते हैं काउंट करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 34, 35, 40, 43, 44, 45, 46, मतलब 50 मान लो 50 कदम दूर जाके रुकी थी बाइक, बहुत दूर रुकी थी भाई कसम से। सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि रेडर 125 अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे ब्रेकिंग करते हो, मतलब 100 प्लस की स्पीड पे या 100 के आसपास की स्पीड पे ब्रेकिंग करते हो और कंटिन्यू ब्रेक अप्लाई करते हो तो रियर व्हील जो है वो स्किट करता है। हालांकि दोनों कॉम्बी ब्रेक हैं लेकिन रियर व्हील बहुत ही गंदा स्किट करता है और कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो जो लोग नए हैं जिनको आदत नहीं है,
मतलब जो कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ब्रेक उन्हें या तो छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज बाइक आपको फेंक देगी तो आप गिर जाओगे। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ आप ब्रेकिंग नहीं कर पाओगे इसमें ज़्यादा स्पीड पे। हालांकि अगर आप 50-60 के आसपास हो तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है और जल्दी रुक रही है, कोई भी टायर स्किप नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप ओवर स्पीड करोगे 70 प्लस जाओगे तो ये प्रॉब्लम आने लगेगी। अभी आपने देखा कि कितना गंदा टायर स्किड किया था, पूरा धुआं निकला और मुझे रियर ब्रेक छोड़नी पड़ी बीच में ही ताकि मैं गिरूँ ना। तो जैसे ही मैंने छोड़ा वापस से मैंने दोबारा दबाया तो जाके बाइक रुकी, लेकिन बाइक में के रुकने का जो डिस्टेंस हो गया था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लेकिन ओवरऑल मुझे मज़ा आया इस बाइक का ब्रेक टेस्ट करके। वैसे ये बाइक जो लेने वाला है वो इतनी ओवर स्पीडिंग तो नहीं करेगा, तो शहर में आराम से चलते हो तो ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है, कॉम्बी ब्रेक मिल जाते हैं आपको। तो नॉर्मल स्पीड पर 50-60-70 तक में आप कॉन्फिडेंस के साथ ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड हार्ड राइड सेफ।